कोलंबन जानते हेलो गाइस, राम राम सभी को। तो वास्को द गामा चलम भी ओरिएंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज फिर हम दोनों निकल चुके हैं अपना शॉपिंग के लिए। देखते हैं क्या लाना है क्या नहीं। वास्को द गामा है, वास्को वास्को द गामा जा रहे हैं। तो जहाँ भी वो लोकेशन है आपको वहीं लेके जाएंगे। अभी हम निकल चुके हैं पैदल घर से। अभी यहाँ से जाएंगे बस में, उसके बाद फिर बाय शिप। तो अरे वादी कहाँ बने गया रहना वीडियो में। 27-01 तो आजा। मिलते हैं आपको। अभी पत्नी उल्टा लेके जा रहे हैं कि बस जो दूसरी है, क्योंकि आज है सैटरडे। तो वो डायरेक्ट ओरिएंट जा सैटरडे रहा के चक्कर में वो यहाँ से सीधा बसें जो निकलेगा। हैं बहुत कम हो जाती हैं, एक एक घंटे बाद चलती हैं। तो इस चक्कर में अभी हम देख रहे हैं कि 4701 बस का नंबर है, मतलब बस नंबर है। तो वो मे भी ना यहाँ आपको बाई सीट नहीं जाना पड़ेगा, सीधा वहीं जाएगी, बाई बस ही जाएंगे। जैसे आपने पहले एक वीडियो में देखा होगा, मैं एक बाइक को सामान लेने के दे देने गया हुआ था उसी बस में। वो सीधा बाई पुल, जो वो पुल है बड़ा, उसके ऊपर से जाती है। तो देखते हैं अब उसी बस का, देखते हैं टाइमिंग क्या है। तो मिलते हैं आपको, ठीक है? वहाँ बस की, बस के मतलब बस स्टॉप पे जाके वहाँ मिलते हैं आपको, दिखाते हैं फिर आपको आगे का सफ़र। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं अपना बस स्टॉप पे। हम मतलब बाई बस ही जाएंगे, जो 4701 जो मैं बता रहा था अभी उसी में जाएंगे। वो अभी 10 से 15 मिनट में आने वाली है। तो करते हैं अब उसकी वेट। तो उसके बाद आपको दिखाते हैं सफ़र। हम आ जाएंगे पहले सीधा ओरिएंट, फिर उसके बाद चलेंगे जहाँ भी जाना होगा हमको, वास्को डी गामा जो हम बता रहे थे, ठीक है? तो मिलते हैं अब आपको बस में बैठने के बाद ही, दिखाते हैं आपको सफ़र। तो ये रहा अपना सामने बस स्टॉप। तो गाइस हम बैठ चुके हैं अपना बस में, और ये बैठते ही सो चुके हैं, इनको नींद आ रखी थी। बाकी मेरे पास कॉल आ रखी थी तो इसलिए स्टार्टिंग में आपको दिखा नहीं पाया। 5 मिनट हुए हमको चलते हुए, बट ये भाई तो अपना सो चुके हैं बिल्कुल ही। बैठते इनको 1 मिनट भी लगा होगा, बैठते सो गए थे। चलो तो कोई बात नहीं, आपको दिखाते हैं अभी सफ़र। तो अभी करता हूँ आपको बैक कैमरे से बाहर का व्यू। तो गाइस हम उतर चुके हैं बस में से, साथ में चल रहे हैं भाई। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से आगे पैदल पैदल वास्को द गामा, जो भी है वो मॉल है, ठीक है? उसमें लेके जा रहे हैं आपको, ओरिएंट के अंदर ही है वो, ठीक है? तो मिल दिखाते हैं आपको अंदर ना, मॉल के अंदर ही जगह। तो गाइस ये है अपने सामने वो मॉल, वास्को द गामा अभी आपके सामने ही है, वास्को द गामा, ठीक है? अब हम इसके अंदर ही जाएंगे तो दिखाते हैं आपको अंदर जाके ना। अच्छा, तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मॉल में, क्या देख लेते हैं। टैक्सी घूम गई हो, मोटर वाली है। तो गाइस हम ना अंदर आ चुके हैं मॉल के अंदर, वॉर्टन, ठीक है? इसके अंदर जैसे अपना इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो भी होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, अपने स्पीकर और भी चीज़ें, टीवी, एलसीडी, एयरफोन, एयरबड्स, लैपटॉप, कुछ भी चीज़ें, इलेक्ट्रिक साइकिल, सब कुछ मिलती हैं। वो दिखाता हूँ आपको, जैसे स्पीकर रखे हुए हैं बड़े, और भी बहुत कुछ है, सब कुछ है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो भी सामान होता है अपना, सब कुछ है इसमें।
बाकी ये जहाँ जहाँ भी जाएंगे आपको दिखाते रहेंगे, तो बने रहना वीडियो में। पढ़ने लग रहे हैं लकोस्टे के देखना Va a venir ese Jackson Pérez, vamos a ver, va. Fue liberado con Ramos de Torres, está bravo. Vamos, vamos, que vocês põem o daqui, aqui fazem, não tem, então, a Levis não tem sexo de preço, porque tem aqui. Mas elas têm muitas vezes os preços. Como é que é assim? Eu sei que as partes não têm até as partes. E daí, aqui é o ठीक है, तेने तेने ग्रे ग्रे कलर पसंद आ रहा बस, फिर देखा ग्रे ब्लैक टाले उसमें दे ग्रीन ले ले, क्रीम ले ले, ये उधर ब्लैक टंग रहा, तो कोई जैकेट जोकेट देख ले इनमें दे कैसा लग रहा है, तेरे कैसा लग रहा है देख का तो गाइस जो साथ में भाई उन्होंने ले लिया जैकेट, वो खड़े लाइन में बिल कटवाने के लिए, अभी वो कटवाएंगे बिल यहाँ से, तो उसको दिखाते हैं अभी आपको। Thank you.
करो ना ले आए भी फिर ला दिए पैसे कच्चा पकड़ा नहीं क्या चल। तो गाइस अब हम आ चुके हैं वहां से बाहर पुल एंड पियर से। ये अपने पीछे पुल एंड पियर, यहां से आ चुके हैं बाहर। अब हम जाएंगे देखते हैं इसके अंदर, तो दिखाते हैं आपको। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं यहाँ से बाहर की तरफ, देखते हैं अभी कहीं और दूसरी जगह जाएंगे मतलब कुछ और लेने के लिए, तो दिखाएंगे आपको और क्या लेना है। अभी फिलहाल ये जैकेट ही पसंद आई है तो जैकेट ही लिया हमने। अब नीचे की तरफ आए हैं, देखते हैं और कुछ पसंद आएगा तो लेंगे, बाकी दिखाएंगे आपको। ठीक है अभी। अच्छा नीचा शायद। तो कहीं अभी हम आए हुए हैं जारा में, अंदर जारा में अभी हम जा रहे हैं, जारा के अंदर ही नीचे। बड़ा तो दिखाते हैं भी आपको ना। तो गाइस हम निकल चुके हैं अपना मॉल में से, पीछे जो गेट है मेन सीढ़ी में बैक साइड में, वहीं से निकले हैं अभी, साथ में भाई चल रहे हैं। हमने सिर्फ वही लिए, एक जैकेट लिया, बाकी को अभी कुछ पसंद नहीं आया। बाकी अब हम देख रहे हैं, अब हम यहाँ से जाएंगे ओदी वैलेस, वहाँ से भाई ने लेनी है अपना मेहंदी की क्लिप, ठीक है, उसकी कलाकारी करनी है उन्होंने कुछ, तो अभी हम सीधा वहीं जा रहे हैं बाई ट्रेन बाई मेट्रो। तो गाइस हम आ चुके हैं अभी मेट्रो स्टेशन के अंदर और अभी हम कर रहे हैं मेट्रो की वेट। तो गाइस अपनी आ चुकी है मेट्रो, अब हम जाते हैं मेट्रो में, तो दिखाते हैं। तो पहुंच के ओदी वैलेस फिर मिलते हैं आपसे, ओदी वैलेस पहुंच के मिलते हैं अब। इस टाइम रात हो चुकी है बहुत, बाहर भी अंधेरा हो चुका है, टाइम हुआ अभी 7:15 और यहाँ पे भी अभी ना अंधेरा होना स्टार्ट हो चुका है। गर्मियों में तो 11:30-11:30 के आसपास अंधेरा होता था, बट अभी सर्दियों के टाइम पे मतलब कि 6:30 के बाद जैसे अपनी इंडिया में होता है वैसे अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ भी, जैसे आप देख ही रहे हो 7:15 हुआ अभी और अंधेरा हो चुका है, बाहर लाइटें बन चुकी है और बाहर का कुछ नहीं दिख रहा। बाकी भाई साहब बैठे हुए हैं सामान लेके, तो मिलते हैं आपको ओदी वैलेस पहुंचने के बाद ही। तो फिर पहुंच चुके हैं ओदी वैलेस, इसका ट्रेन का लास्ट स्टॉप था, अभी यहाँ पहुंच चुके हैं और मिलते हैं आपको बाहर पहुंचने के बाद। तो गाइस हम आ चुके हैं अपना मेट्रो से बाहर, वो पीछे अपना मेट्रो स्टेशन, हम आ चुके हैं वहाँ से बाहर। अभी आपको आगे जाके मिलते हैं जहाँ से हमने लेनी है मेहंदी की क्लिप, ठीक है, तो अभी हम मिलेंगे आपको सीधा शॉप पे ही, तो बने रहना वीडियो में। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं अपना ओदी वैलेस, जो अपना मेन दुकान है ये दिल्ली वाला, मतलब अपने इंडियन शॉप है, इनके पास आए हैं हम अंदर, इनसे इनके पास मतलब अपना इंडियन में जो भी चीज़ें मिलती हैं वो सब कुछ हैं, तो अगर पॉसिबल हो तो अंदर जाके जरूर दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ अंदर,
अभी हमने लिया से कीप वगैरह, मैंने कीप लेनी है, बाकी देखते हैं अगर कुछ और पसंद आया तो ले लेंगे, बाकी देखते हैं अंदर जाके क्या कुछ है। तो गाइस हम आ चुके हैं शॉप से बाहर, हमने लिए हैं समोसा इसमें और हमने केक तो लिए हैं, बाकी हमने लिए हैं वो मिल्क केक, ठीक है मिल्क केक भी लिया हमने, घर जाके दिखाऊंगा मिल्क केक आपको, बाकी इस टाइम तो समोसा ही है दिख रहा होगा आपको अंदर, ठीक है तो अभी उसको खा लेते हैं फिर मिलते हैं आपको बाद में। तो गाइस हमने ले लिए अब सारा सामान, मतलब कि सिंदूर वगैरह, सिंदूर दिए और अपना मिठाई भी लिया, कि अब हम जा रहे हैं अपना घर की तरफ, बाकी घर जाके आपको एक एक सामान निकाल के दिखाऊंगा, बाकी समोसे हमने खा लिए हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं अपना मेट्रो स्टेशन पे, ठीक है बाकी फोन में बैटरी भी कम है तो आपको जितना हो सके उतनी वीडियो दिखा पाऊंगा, बाकी मे भी आपको घर जाके नहीं मिलते हैं अपना, सीधा घर पे मिलेंगे। तो थैंक यू। तो गाइस अब हम बैठ चुके हैं अपना सीट में, बट आज पहली बार ऐसा हुआ कि सीट में कोई सीट नहीं खाली मिली, हमको जो सीट है वहाँ बैठना पड़ रहा है, एक तो वो बैठे हैं भाई साहब उधर वो सीढ़ी बैठे क्योंकि आज सीट फुल है, आप पीछे देख ही रहेंगे लोग खड़े भी हैं, वैसे इसमें जगह कम से कम 600-700 बंदे इसमें आ सकते हैं सीट में, बट आज फुल है, सीटें फुल हैं और लोग खड़े भी हैं। तो आज पहली बार ऐसा हुआ है, मुझे पहली बार लिया गया था क्योंकि मैं खुद आज सीढ़ी पर बैठा हूँ, जैसे पहले सीट भी होती थी खाली भी होती थी, सीट खाली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कहीं और नहीं तो हमारे पास तो अगर सीट खाली में वो दिखी जाती थी, अगर कहीं नहीं दिखती तो मेरे पास तो होती थी हमारे पास, बट आज कहीं भी नहीं मिली। तो खैर चलो जो भी हुआ अब हम निकल चुके हैं यहाँ से फाइव सीट में। तो हेलो गाइस, तो हम पहुँच चुके हैं अपना घर पे, बट वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ क्योंकि रास्ते में फ़ोन ही बंद हो गया था इसलिए रास्ते में आपको दिखा नहीं पाया, बट जो हम सामान लाए हैं ठीक है हमने वो रख दिया, जैसे मैंने बताया था आपको अपना ये है मिल्क केक, इसके अंदर है मेहंदी, ये अपने दीवे और ये सिंदूर, ठीक है बाकी ये सामान तो अपना, बाकी जो जैकेट वो आपने देखी थी, बाकी समोसे हमने रास्ते में खा ही लिए थे, और मैं निकाल रहा हूँ अभी सामान अपना, जैकेट निकल गई है और क्या है इसमें बस ठीक ठाक है, बाकी चटनी थी समोसे के साथ आई थी, बाकी हमने चटनी तो हमने खाई नहीं, समोसे ऐसे ही खा लिए थे क्योंकि पेट वगैरह नहीं थी, तो चटनी हम ऐसे ले आए बाद में काम आ जाएगी एक दिन में। तो बाकी आज आपने देखा ही है कि हम कहाँ कहाँ जाके हैं, बाकी आते हुए मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि फ़ोन ही बंद हो गया था मेरा। तो भाई आज के लिए अपना इतना ही था, तो अब मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, पुर्तगेसी में बोनोइट, बाय।